नमस्कार, मैं डॉक्टर एस चक्रवर्ती, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन मेट्रो हॉस्पिटल के साथ रहित हूँ आज नियरली 20 इयर्स। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है एंड आप सभी का वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे में स्वागत है। इस तरह से देखा जा रहा है कि इंसिडेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारतवर्ष में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 2-3 दशकों में इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस समय ओवरऑल प्रिवेलेंस भारतवर्ष में ब्लड प्रेशर का 29.8% है, जो कि अर्बन एरियाज में अराउंड 33% जा रहा है और रूरल एरियाज में अराउंड 27% जा रहा है। तो इस तरह से इतना ज्यादा इंसिडेंस, हमें डेफिनेटली इसके प्रति एक्शन लेना ही होगा। ब्लड प्रेशर के जो प्रीवियस ट्रीटमेंट की जो मोडालिटी थी, ज्यादातर हम लोग क्या करते थे कि बीपी की जो दवाई दे दिए और प्रॉब्ली इतने अच्छे से चेकअप भी नहीं होता था और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, अल्टीमेटली पेशेंट्स जो है कॉम्प्लिकेशन लेके इमरजेंसी में आ जाते थे। तो वो दिन अब चला गया है। अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह से हम ब्लड प्रेशर को अर्ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बेसिकली एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी प्रिवेंशन बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन, उस पर ज्यादा ध्यान देना। जैसे कि हम लोग इस तरह से जानते हैं कि ब्लड प्रेशर से हार्ट में तकलीफ होती है, किडनी में असर आता है, आंखों में असर आता है, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, इन सबों को अर्ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज अगर हम लोग मैनेज कर सकते हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। तो बेसिकली हमारा इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे में जो मोटो ऑफ ट्रीटमेंट है वो है अर्ली एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन। किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डेफिनेटली एक इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आजकल यंग जनरेशन में हमने देखा है यंग हाइपरटेंशन बहुत है, तो हमें टारगेट राइट एट द बिगिनिंग, शुरू में ही टारगेट करना होगा कि किस तरह से हम एनकरेज कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में, सो दैट बड़े होकर ये ब्लड प्रेशर का शिकार ना हो जाए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड दवाइयां। दवाई में हम लोग ने ये देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास आजकल ऐसे बहुत सारे दवाई आ गए हैं जिससे हम किडनी या हार्ट, इस तरह की जितनी भी ऑर्गन्स हैं उसको हम लोग बचा सकें। तो हम लोगों को उसी तरह की दवाइयां यूज करना होगा अर्ली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, सो दैट हम लोग जो है अर्ली एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट स्पेशलाइज है, हमें ख्याल रखना होगा कि कौन सी दवाई एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर इंसान को सूट करेगा, उसी हिसाब से उसके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी। डेफिनेटली हम पहले से काफी बेहतर रूप से इस समय ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मॉनिटरिंग पहले हम लोग खाली अपने ऑफिस में ही ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, मगर आजकल हमारे पास एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो कि अगले 24 घंटे तक हम लोग ब्लड प्रेशर घर में ही नाप सकते हैं, फिर होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, कई सारे जो है मॉनिटरिंग डिवाइसेस आ गए हैं जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है हमें उस पर ध्यान देना होगा, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा और साथ ही साथ जो बेनिफिशियल ब्लड प्रेशर की दवाई है उनको यूज करना होगा। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन में डे में यही हमारा मोटो है। थैंक यू वेरी मच।